जमीयते उलेमाए हिंद के महासचिव मौलाना मसूद मदनी ने मुस्लिम नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि वो ओवैसी को देश के मुसलमानों का नेता नहीं बनने देंगे। मदनी ने ये भी कहा कि ओवैसी की राजनीति सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक सीमित रहनी चाहिए। वो मुसलमानों के इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं, आप हैदराबाद के पॉलिटिकल लीडर बन जाइए, वो ठीक है, मुझे वहां तक भी मंजूर है कि वो आंध्रा और तेलंगाना के बन जाए, इससे आगे नहीं। मदनी के बयान पर अभी तक AIMIM या ओवैसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने मदनी के बयान को सही ठहराते हुए कहा कि ओवैसी नफरत की राजनीति करते हैं। जो व्यक्ति हमेशा नफरत बांटता हो वो किसी का भी मित्र नहीं हो सकता। ओवैसी साहब को एहसास होना चाहिए कि उनके सामने बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। वो क्यों बोलते हैं, ये देश हिंदू मुसलमान सबका है, आप ना अकेले हिंदू की बात कर सकते ना अकेले मुसलमान की बात कर सकते,